नमस्कार, टीपी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। क्या कुछ खास आज पूरा दिन रहा, तो वहीं आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम की गई और क्या कुछ ये पूरा मामला है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से अधिक वक्त से जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, वहीं भारी संख्या में सैनिक और आम नागरिक भी इस युद्ध में मारे गए हैं। इस बीच यूक्रेन ने कई रूसी सैनिकों के मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने युद्ध के मैदान में करीब 12 रूसी जनरल को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया जानकारी ने यूक्रेनी सेना को काफी मदद की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बुधवार को वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी प्रदान की है, जिसने यूक्रेन युद्ध में कई रूसी जनरल को मारने में यूक्रेनी सेना की मदद की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वाशिंगटन ने रूस की अपेक्षित सैन्य गतिविधियों और रूस के मोबाइल सैन्य मुख्यालयों के बारे में जगह और अन्य विवरणों पर यूक्रेन को जानकारी दी। इसके साथ ही यूक्रेन ने संयुक्त रूप से तोपखाने के हमलों और रूसी अधिकारियों को मारने वाले अन्य हमलों का संचालन करने के लिए अपनी खुफिया सहायता के साथ संयुक्त किया है। पेंटागन और व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के आग्रह का तुरंत जवाब नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने युद्ध के मैदान में लगभग 12 रूसी जनरलों को मार गिराया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी की वजह से कितने जनरल मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ही लगातार हमला जारी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इसी बीच देश के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं रेल के बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने कहा कि रेल बुनियादी ढांचे पर हमले पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति बाधित करने के लिए थे, जबकि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। यूक्रेन में पश्चिमी हथियार आने से उसकी सेना को रूस के शुरुआती आक्रमण को कुंद करने में मदद मिली है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज अपनी राजनीतिक पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम बिहार के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं, जनसूरज की सोच को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज़्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है, उसके बारे में मैं 2 बात आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना, पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ को, उस अवधारणा को
जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने पिछले तीन दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना, और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगली खबर हरियाणा के करनाल से है। करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने पकड़े गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं, और मामला सामने आने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर सकती हैं। आपको बता दें कि मधुबन थाने में बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि सभी आतंकवादी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। बब्बर खालसा से जुड़े ये संदिग्ध आतंकवादी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन संदिग्धों के पास से जो इनोवा कार बरामद की है, उसमें बड़ी तादाद में गोलियां और बारूद के कंटेनर भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कंटेनर में रखा हुआ विस्फोटक पदार्थ RTX हो सकता है। आपको बता दें कि करनाल पुलिस को टिप मिली थी कि 4 संदिग्ध आतंकी पंजाब की तरफ से करनाल में दाखिल होने वाले हैं, जो एक इनोवा कार में सवार हैं और इनके पास हथियार भी हैं। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी की तलाशी के दौरान ये मौत का सामान बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ये सभी संदिग्ध आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए आतंकी भारत में दहशत फैलाना चाहते थे। इस मामले में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए थे। हरविंदर रिंदा ने ये हथियार सप्लाई किए थे। इस मामले में ऐप के जरिए लोकेशन बताई जा रही थी। तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में ये हथियार भेजे जाने थे, लेकिन उससे पहले ही ये चारों करनाल में धर लिए गए। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नाम गुरप्रीत सिंह, अमनदीप, भूपेंद्र और परमिंदर है। चारों संदिग्ध पंजाब के फिरोजपुर और लुधियाना के रहने वाले हैं। करनाल पुलिस को सूचना मिली थी कि ये चारों आतंकी पंजाब की तरफ से करनाल में दाखिल होने वाले हैं, जो एक इनोवा कार में सवार हैं। इनके पास हथियार भी हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चारों आतंकी किसके कहने पर और कहां पर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इन संदिग्धों में 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये सभी संदिग्ध आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े बताए जा रहे हैं। करनाल SP गंगाराम पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम खुलासे किए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पर भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पर अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और 1 लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने बम हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव का किया है, उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी। और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में, इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में धारा FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सबस्टांस एक्ट 1908 की धारा
4(5) आर्म्स एक्ट की धारा 25 व यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें, कोई गतिविधियां क्या थी, कहां थे, मैंने विरोध किया था तुम्हें कुछ। देखिए जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपिंदर है। सर कहां तक जा रहे थे, कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, इनकी ग्रोह भी हो सकती है। देखिए किसी गिरोह से है या आतंकी गिरोह से है? बिल्कुल जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, वही इनको एक्सप्लोजिव्स और एनडीपीएस की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। देखिए इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास तेलंगाना में वहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना? देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके, ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह जो है पहले किसी संगठन का नाम आ रहा है? बिल्कुल देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है और दो कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो भेज चुका है। बरामद क्या क्या हुआ है सर, बरामद क्या क्या हुआ है? देखिए जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ही आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। सर क्या बरामद क्या हुआ है, बरामद क्या हुआ सर, जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे कोई लेना देना नहीं? अभी पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं जी है। जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट देके रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल अभी जो हमारी डीडीडीएस की टीम है वो मौके पे आई हुई है, अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि हो सके, अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो बीडीडीएस टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर सर, ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी? देखिए हमने जो एफआईआर है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और हमारी जो एएसपी इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो और 1,30,000 रुपये के आसपास की नकदी बरामद हुई है। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था, इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई, राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है, वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था, राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई, इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टेक्ट में थे, वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। इस पूरे मामले की जांच के दौरान बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है, आतंकियों के पकड़े जाने के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि ये लोग किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने निकले थे, मामले का खुलासा होने के बाद शहर में अलर्ट है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 8 मई तक अवैध निर्माण गिराने पर रोक लगा दी है। दरअसल दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने राजधानी पुलिस को एक पत्र लिखकर फोर्स की मांग की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने आज फोर्स देने से मना किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज फोर्स उपलब्ध
उपलब्ध नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ जामिया नगर आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जब फोर्स देगी तभी बुलडोजर चलेगा। राजपाल सिंह ने आगे कहा कि हम बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटा रहे हैं। 9 मई को हमने शाहीन बाग के लिए फोर्स मांगी है, पुलिस बल मिलेगा तो हम बुलडोजर चलाएंगे। राजपाल सिंह के अनुसार 13 मई तक अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। बता दें, भारतीय जनता पार्टी शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को ही अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। SDMC की ये कार्रवाई शाहीन बाग सहित उसके अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में अवैध निर्माण हटाने की 10 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। SDMC के अध्यक्ष मध्य जॉन राजपाल ने बताया कि अभियान में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह अभियान संगम विहार इलाके के MB रोड पर करनी सिंह शूटिंग रेंज से शुरू हुआ था। उन्होंने कल कहा था कि अभियान शाहीनबाग मुख्य सड़क, कालिंदी कुंज, MB रोड, मेहर चंद मार्केट, श्रीनिवासपुरी और खाड़ा कॉलोनी में चलाया जाएगा। सिंह ने PTI भाषा से कहा है, हमने शाहीन बाग सहित इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन की कार्य योजना तैयार की है। हमने अभियान चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। हम शाहीन बाग में 9 मई को अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज और श्रीनिवासपुरी में 5 और 6 मई को अतिक्रमण हटाया जाएगा। 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास गुरुद्वारा रोड के समीप अभियान चलाया जाएगा। मेहरचंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास लोधी कॉलोनी में और JLN मेट्रो स्टेशन के पास 11 मई को अभियान चलाया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े करने की खबर है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो राम मंदिर में पढ़ो। और क्या कुछ बोले लालू प्रसाद, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उनी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी एक सप्ताह के बाद डॉक्टर जब आपको हाँ पूछ रहे हैं, सब पूछ के काम करेंगे। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तो देश में बहुत माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं वहाँ भी। ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई, इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। राजद अब A to Z की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं कराती है JDU BJP तो हम कोई दूसरा जनगणना नहीं करने देंगे। ठीक है ठीक ठीक है, फिर मैंने परशुराम जयंती के मौके पर कल तेजस्वी यादव गए थे, आप क्या कहेंगे वहाँ पर? A to Z सब कुछ जुड़े ही, नहीं नहीं अच्छी बात है ना, परशुराम जयंती में गए, सब लोग बुलाए, आदर किए। क्या कहेंगे, सब वही कहेंगे दोनों। चाहते हैं कि आप लोग एक बार नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आए? ऐसा कोई बात अभी नहीं है। तेज प्रताप ने कहा था कि उनकी बात हो गई आपसे, आप बहुत जल्द आ जाएंगे साथ। तो वो हमारा बेटा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने निर्णय कुछ नहीं है। नीतीश कुमार सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया लोग, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई, इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। पाकिस्तान की चमन सुरंग साजिश का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ है।
अमरनाथ यात्रा को दहलाने और नार्को टेररिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत पाक सीमा पर खोदी गई सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला है। यह एक सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान की पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। पिछले 1.5 साल में बीएसएफ द्वारा पकड़ी गई 5वीं सुरंग है। सीमा के सांबा बॉर्डर के नजदीक भारतीय सीमा में चक फकीरा पोस्ट के पास इस सुरंग को पकड़ा गया है। यह सुरंग इतनी खूबसूरती से खोदी गई है कि इसे आम आतंकवादी नहीं खोद सकता। इस सुरंग की बाबत सीमा सुरक्षा बल को बुधवार की शाम उस समय पता चला जब सांबा सेक्टर के इलाके में नियमित जांच की जा रही थी। इस सुरंग के मुहाने को कुछ इस तरह से ढका गया था कि आसानी से सुरंग होने का पता न चल सके। शुरुआती जांच के दौरान बीएसएफ को पता चला कि यह सुरंग पाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी फौज की चौकी चमन खुर्द फियाज के पास शुरू होती है, जो वहां से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। यह सुरंग भारतीय सीमा के भीतर आकर 150 मीटर की दूरी पर निकलती है, यानी कुल मिलाकर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में खोजी गई। बीएसएफ का मानना है कि यह सुरंग ताजी ताजी खुदी हुई है, यानी इसे हाल ही में खोदा गया है। इसका मकसद जम्मू में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में आतंक फैलाने के लिए सीमा पार से आतंकवादी और गोला बारूद भेजना भी हो सकता है। इसके अलावा इस सुरंग का मकसद नार्को टेररिज्म को बढ़ाने का भी हो सकता है। यह सुरंग इतनी बड़ी है कि इसमें बड़े आराम से एक आदमी हथियार लेकर या नार्कोटिक्स से भरी हुई बोरी लेकर आराम से आ जा सकता है। सुरंग को जिस तरीके से खोदा गया है उसे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना की देखरेख में सुरंग को सुरंग खोलने वाले पेशेवर इंजीनियरों के निर्देशन में आतंकवादियों ने खोदा होगा। बीएसएफ के एक आला अधिकारी ने बताया कि पिछले 1.5 साल के दौरान ये 5वीं सुरंग है जो पकड़ी गई है। दिलचस्प बात यह है कि सुरंग को ऐसी जगह खोदा गया जहां रेतीली दोमट मिट्टी के टीले हैं, यानी पानी रिसाव का कोई रास्ता ही नहीं है। इस बात की जांच की जा रही है कि इस सुरंग के जरिए कहीं आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश तो नहीं कर चुके। पाकिस्तान की नापाक चमन सुरंग आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये तो अब भविष्य ही बताएगा। लेकिन सुरंग से आने वाले खतरे के मद्देनजर बीएसएफ की सूचना पर तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, जिससे पता चल सके कि हाल ही के दिनों में कोई पाकिस्तानी या अफगानी इस इलाके में तो नहीं आया। करनाल में आज आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इससे फिर एक बार खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रच रहा है। पकड़े गए 4 आतंकियों को पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा से जुड़े आतंकी से हथियार मिले थे। उसने नई उम्र के इन लड़कों को ड्रोन से हथियार भेजे और वह पता बताया जहाँ यह आतंक का कंसाइनमेंट पहुँचाया जाना था। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी दी है कि पकड़े गए युवकों का नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर, भूपिंदर है। इन चारों की ही उम्र 20 से 25 साल के करीब बताई जा रही है। इसमें से 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी। ये चारों खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा से जुड़े थे। उसने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में ये हथियार भेजे थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा और 3 लोहे के बक्से मिले थे। इसमें एक एक बक्से का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है। इन पर 1,30,000 रुपये कैश भी था। संदिग्ध फिलहाल महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। चारों को आईजी तेलंगाना भेजा था और जहां सामान पहुंचाना था वहां की लोकेशन इनको पाकिस्तान से मिली थी। ये लोग इससे पहले 2 जगहों पर आईडी सप्लाई कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी इस पर बयान सामने आया है। वह बोले कि पंजाब से हमें खबर मिली थी जिसके आधार पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें असलाह मिला और कुछ लोग भी पकड़े हैं। जांच के बाद ही उनका मकसद पता चलेगा। अभी ये जानकारी है कि हरियाणा की घटना नहीं थी, वे हरियाणा पार कर रहे थे। और क्या कुछ जानकारी दिया ये जानते हैं। देखिए उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर मस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। आतंकी संगठनों से संबंधित है वो? अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है
और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। वो जो एजेंसियाँ हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा कहते हैं कि संसार में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन आज कानपुर देहात में गुरु के साथ जो घटना हुई उसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है जिससे बच्चे अधिक की संख्या में स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण कर आगे चलकर कुछ बन सके। लेकिन कानपुर देहात में स्कूल चलो अभियान को लेकर शिक्षा की अलग जगाने वाले एक शिक्षक को ऐसा करना महंगा पड़ गया। बच्चों को घर घर जाकर स्कूल आने के लिए कहने वाले शिक्षक को इसकी कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ी। स्कूल के लिए घर जाकर बुलाने वाले शिक्षक के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की छात्रा के परिजनों ने झूठा छेड़खानी और पॉस्को एक्ट का मुकदमा लिखाकर शिक्षक को जेल भिजवा दिया। दरअसल मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक राजेंद्र गुप्ता स्कूल चलो अभियान के तहत अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए घर घर जाकर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का निवेदन कर रहे थे। उसी गांव के एक बच्ची जो कि कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी उसके भी घर पहुंचे और स्कूल प्रतिदिन ना आने के लिए कहा। स्कूल में सभी बच्चे पहुंचे तो शिक्षक ने छात्रा को डांटते हुए डेली स्कूल आने को कहा, तो शिक्षक की डांट से नाराज हुई छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया और जिसके बाद परिजनों ने 112 डायल करते हुए शिक्षक पर झूठी छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने शिक्षक को पकड़ कर थाने ले गई और जिसके बाद पीछे से छात्रा सहित परिजन पहुंचे और मूसानगर थाने में झूठा छेड़खानी और पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि उस समय स्कूल में सारा स्टाफ मौजूद था, सभी बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षक को गिरफ्तार करने की सूचना पर स्कूल के हेडमास्टर गाँव के प्रधान सहित स्कूल के बच्चे परिजनों के साथ पहुंचे और सभी ने मूसानगर पुलिस को बताया कि शिक्षक राजेंद्र गुप्ता ने ऐसी कोई घटना नहीं की है, ये फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी और शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। शिक्षक राजेंद्र गुप्ता को झूठे मुकदमे में जेल भेजने पर कानपुर देहात शिक्षक संघ आक्रोशित हो गया है और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जनपद के जिलाधिकारी और एसपी से मुलाकात कर शिक्षक को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की शिकायत की। वहीं स्कूल में हेडमास्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि छात्रा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। शिक्षक छात्रा के घर स्कूल आने के लिए कहने गए थे, स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक को साजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी सर, मैं मनोज मिश्रा प्रधानाध्यापक UPS बमरौली। जो घटना हुई है हमारे विद्यालय की, तो हमारा सहायक अध्यापक बिल्कुल निर्दोष है और मैं वही कार्यालय में बैठे सरकारी जो नियम स्कूल चलो अभियान चल रहा है उसके तहत मैं डेली डोर टू डोर जा के स्वयं अपने अध्यापकों के साथ जा के पूरा कार्य कर रहा हूँ और उनने बदले की भावना से गांव से प्रेरित होकर सिर्फ ये कहा कि ये मास्टर ऐसे हैं वैसे हैं और पूरा गांव मेरे साथ तैयार है आज यहाँ कलेक्ट्रेट आने के लिए, पूरा गांव तैयार है सर। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा हमारा पूरे संगठन और हमारा पूरा शिक्षक आंदोलन करने के लिए बात होगा सर। अच्छा, मामला क्या था, बिटिया ने इस तरीके का आरोप क्यों लगाया? सर, मामला ये था कि बिटिया को ये ऑलरेडी स्कूल नहीं आ रही थी। हमने सहायक अध्यापक को भेजा कि जाओ भाई देखो डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, देखो कि ये बिटिया क्यों नहीं आ रही है। तो ये गए, उनका दरवाजा खटकाया, उनकी माताजी ने दरवाजा नहीं खोला, तो धूप में परेशान होकर बस इतने कहा कि जब अभिभावकों के ये हाल हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये बात उनको नागवार गुजरी और वहीं अगल बगल एक दो लोग सिखाने वाले थे, बोले ऐसा कह के गया। और मनोबल इतने उनके ऊंचे हैं कि वो 2-3 केस गांव में करा के और अवैध रूप से ये धन उगाही करती हैं। और आप पूरा आके और हमारे विद्यालय और हमारे गांव में हम लोगों के विषय में जानकारी कर लीजिए। सर, बहुत हृदय से दुख कि हमारा निर्दोष सिद्ध चला। वही शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह राजावत ने बताया कि बिना जांच कराए शिक्षक के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया गया है। इसका शिक्षक संघ विरोध करता है। अधिकारियों से मिलकर मांग की गई है कि निर्दोष शिक्षक को न्याय दिलाया जाए। शिक्षक को जब तक न्याय नहीं मिलता शिक्षक संघ इसका विरोध करता रहेगा। देखिए, क्या है मामला जो आज आप DM साहब से क्या आए हैं? हमारे बलासा विकास खंड में UPS बमरौली में शनिवार की घटना है।
वहाँ के एक अभिभावक ने हमारे राजेंद्र गुप्ता जो वहाँ सहायक अध्यापक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया, मिथ्या आरोप। इस शिक्षक ने हमारी बच्ची के साथ अभद्रता की है, जबकि उस विद्यालय में हमारे दो और शिक्षक श्री मनोज कुमार मिश्र जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और दूसरे शिक्षक मनोज संघवार जी वो भी उसी विद्यालय में कार्यरत है, दो रसोइयाँ भी उसमें कार्यरत हैं और बच्चे करीब 12-15 करीब बच्चे भी रहे हैं। उन बच्चों के बीच में इतना बड़ा आरोप लगा करके और 11:30 बजे राजेंद्र गुप्ता जी को संबंधित चौकी के मूसानगर से थाना मूसानगर से उनको ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है और बिना जांच के उस शिक्षक पर FIR करके उस शिक्षक को जेल भेज दिया गया। ये जनपद कानपुर देहात के शिक्षकों के लिए बड़े ही शर्म और दुर्भाग्य का विषय है कि जनपद में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। शिक्षक की आज गरिमा जिस तरीके से बमनौली विद्यालय और वहाँ के थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उच्च अधिकारियों से मिलने हम आए थे, ये कहने आए थे कि चूंकि शिक्षक जिन हालात में गांव में काम कर रहा है उसका कहीं ग्राम प्रधान से विवाद, कहीं कोटेदार से विवाद या अन्य कहीं कोई ऐसे शासन से निर्देशन में उससे विवाद होता है घटना अगर कहूँगी तो समझता हूँ कि जनपद का शिक्षक अपने स्कूल में काम नहीं कर पाएगा। चूँकि राजेंद्र गुप्ता एक बहुत ही सीधे सज्जन और सरल व्यक्ति हैं जिनकी प्रशंसा में हमारे जितने भी शिक्षकों को भी मालूम हुआ है वो लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं और ये जनपद में सारे शिक्षकों को जो मालूम होगा और अगर इस पर न्याय नहीं मिलता है संबंधित लोगों पर अगर दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये कानपुर देहात का शिक्षक अपने सम्मान के लिए किसी भी संघर्ष की स्थिति तक जाने के लिए बाध्य होगा। DM साहब महोदया से मिले हैं, उन्होंने SP साहब के लिए भेजने के लिए कहा कि SP साहब से मिलिए और इसके बाद SP साहब से मिलने के बाद हम अपने साथियों के बीच में बैठ करके निर्णय लेंगे इसके लिए हम लोग आगे क्या लड़ाई करें। DM साहब से आप मिले, आपने समस्या अपनी बताइए, कितनी उम्मीद है न्याय की आपको? DM साहब से जो बात हुई है DM साहब ने सिर्फ एक बात कही है कि आपने अपनी बात कह ली है। मैं उस बच्ची से भी उसका क्या कथन है क्या कहना है जब तक मैं न सुन लूँ तब तक मैं क्या कह सकती हूँ। हमारा कथन सिर्फ यह है कि जब तक जांच ना होती हमारे शिक्षक के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई करके जेल भेजने का, अब जांच करने से क्या मतलब है? शिक्षक तो एक तरीके से FIR भी हो गई और वो जेल भी चला गया है। वहीं SP स्वप्निल ममगई ने मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। निर्दोष पाए जाने पर शिक्षक के साथ न्याय होगा। बमरौली घाट के कुछ टीचर आपसे मिले थे जाके, उनका आरोप है कि उनके एक साथी को निर्दोष जेल भेजा गया है, क्या कहना है इसमें? ये देखिए, अभी कुछ शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदया से मिला था और उसके बाद हमसे भी उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि 2 दिन पूर्व एक प्रकरण हुआ था थाना मूसानगर में, उसके आधार पर एक शिक्षक हैं जो वहीं के प्राथमिक विद्यालय के हैं उनको जेल भेजा गया। तो अब तक हमने उस प्रकरण को फिर दिखाया और जानकारी की तो हमें ये जानकारी मिली कि 2 दिन पूर्व एक यूपी वर्मन टू का सूचना आई छेड़खानी 11 वर्षीय बच्ची के साथ। उस क्रम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नियमानुसार और उसके बाद जब विवेचना की तो विवेचना में प्रथम दृष्टिया जो पाया उसके आधार पर ये गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई थाना मुसाना। अभी चूँकि नए सिरे से कुछ और साक्ष्य सामने आए हैं और अभी न्यायालय में भी स्वास्थ्य का बयान कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जा रहा है, तो नए साक्ष्यों के क्रम में हमने कमिश्नर SP साहब को ये निर्देशित किया है कि कल तक हमें जांच करके रिपोर्ट देंगे, अभियोजन की भी राय ली जाएगी, दोषी है निर्दोष, अगर दोषी है तो ऑलरेडी जेल में निर्दोष पाए जाएंगे तो फिर उनकी संबंध कार्रवाई करना होगी। DP News में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DP News।